अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, आज की एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कुछ बैटरी सॉल्यूशन के हवाले से, जो कि है वी माउंट बैटरी सिस्टम। और वी माउंट बेसिकली इसके जो एक पैनल लॉक कहते हैं, इसकी वजह से, यानी जिसका क्लैंप है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है वी माउंट। इसके अंदर एक गोल्ड माउंट भी आती है, बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इस वी माउंट बैटरी सॉल्यूशन की। अच्छा जी, ये बैटरीज जो हैं प्रोफेशनल फील्ड में इस्तेमाल की जाती हैं, और जितने भी प्रोफेशनल सिनेमा कैमराज आप कह लें, चाहे एलेक्सा कह लें या और बड़े बड़े जितने भी कैमराज हैं, उन सब में यही बैटरीज जो हैं यूज़ की जाती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर कैटेगरीज आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके जो है ना, लाइक कंपनीज़ ने इसके हिसाब से बनाई होती हैं, लाइक साइजेस कह लें या इसकी पावर के हिसाब से कह लें या वॉट्स के हिसाब से कह लें। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने अगर वी माउंट बैटरी ख़रीदनी है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा कि हमारे किस काम की, मतलब अगर मैं बीइंग अ यूट्यूबर या एक फिल्म मेकर की बात करूँ, तो उसके लिए क्या हल है। देखें, अच्छा जी, कुछ कैमरा सिस्टम ऐसे होते हैं हमारे जिनके साथ हम कुछ एक्सटर्नल एसेसरीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक LED लगी हुई है स्क्रीन, और एक LED लाइट्स भी कभी कभार हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके अलावा ऑटो फॉलो फोकस सिस्टम जो होता है वायरलेस, वो होता है, या मल्टीपल चीज़ें जो हैं उनको आपने पावर देना है। तो अब आप कैसे पावर देंगे इस स्क्रीन के अंदर, जो मॉनिटर है ये, इसके अंदर एक अलग NP बैटरी भी लग सकती है, और कैमरे की अपनी एक बैटरी होती है। मगर अगर मैं चाहूँ मल्टीपल बैटरीज पे जाने के बजाय मैं कोई एक बैटरी लूँ और उससे मैं सारी चीज़ें चला लूँ, तो वो है हमारी वी माउंट बैटरी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सिस्टम के अंदर लगाई। अच्छा, होता क्या है कि इसके साथ अब मसला ये कि आपको ये शायद समझ में ना आए कि यार ये DSLR के साथ कैसे कनेक्ट होगी। देखिए, इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं जिससे आप पावर जो है ना वो कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि एक इसकी अपनी ये पोर्ट है यहाँ पे, जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं बड़े सिनेमा कैमरा, उनके अंदर ये जो है पोर्ट लाइक होती है, जिसके साथ ये डायरेक्टली अटैच होती है और उसको पावर देने लगती है। मगर इसके अंदर और भी बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है वो पावर दे सकते हैं डिवाइसेस के अंदर। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये D-टैप एक पोर्ट है, इसमें B-टैप भी आती है, A-टैप भी आती है, लेकिन ये D-टैप है, और एक स्पेशल केबल होती है जिसके थ्रू जो है ना आप इसमें से दे के और आप किसी भी डिवाइस के अंदर जो है पावर दे सकते हैं। और साथ में ये USB का एक पैनल दिया है जिसके साथ आप यानी कि अपना कैमरा जो है पावर दे सकते हैं, अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, अपनी कोई और डिवाइस है उसको आप पावर दे सकते हैं, इसको पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक वी माउंट प्लेट आती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। तो उसके साथ आप मल्टीपल चीज़ों को पावर दे सकते हैं उनके वोल्टेजेस के हिसाब से, जितनी रिक्वायर्ड पावर होती है। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूँ इस बैटरी की, तो ये जो स्पेसिफिक बैटरी है ना, आप देखें, ये है PB-M98S और ये स्विट कंपनी की है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसने मुझे लास्ट टाइम, मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइट्स के हवाले से जो अनबॉक्सिंग की थी, तो वो पैनल लाइट्स मैं यूज़ भी कर रहा हूँ और उसी के साथ मुझे आई है। और मज़े की बात, आप इससे LED लाइट्स भी अपनी जो है पावर दे सकते हैं, ये इतनी पावरफुल बैटरीज होती हैं। अच्छा, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे खरीदने से पहले, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखें, ये एक मेरा कैमरा सिस्टम है जो कि सोनी A6500 है। ये सारी एसेसरीज या जिस तरह मैंने इसको बिल्ड किया है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह जल्द रिलीज़ करूँगा इसके हवाले से कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं सिनेमा कैमरा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर बैटरी के हवाले से। तो देखें, इसमें से एक D-टैप केबल जो है, यानी कि पोर्ट केबल के ज़रिए मैंने पावर दी है इस LED स्क्रीन को, जो कि OCTech है, और वो और स्विट जो है तकरीबन एक ही कंपनी है, उसको मैंने पावर दी है। और साथ साथ मैंने एक USB का जो है पोर्ट था, इसको यूज़ करते हुए मैंने अपने सोनी A6500 को पावर दी। अच्छा, सोनी A6500 का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना, वो इसकी बैटरी है, और यही बैटरी इस्तेमाल होती है सोनी A7S II के अंदर, जो कि फुल फ्रेम कैमरा और बड़ा एक सक्सेसफुल मॉडल है सोनी का। मगर उसका भी क्या है, बैटरी की जो है ना कंजप्शन, लाइक जो बैटरी इन्होंने दी है FW50, ये बहुत जो है ना थोड़े टाइम का बैकअप देती है आपको, 20 से 25 मिनट का। तो जब हम प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो हमें तकरीबन कोई 10-12 बैटरीज का बैकअप रखना पड़ता है अपने पास, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है ना इसकी बैटरी ड्रेन होती है। लेकिन अगर मैंने ये सोल्यूशन जैसे आपने देखा लगा दिया,
तो अब मुझे टेंशन नहीं है, ये मुझे घंटों का बैकअप देगी आराम से, और मैं अपनी सारी एसेसरीज जो है ना एक ही बैटरी से कर सकता हूँ। और ऐसी मेरे पास तीन बैटरीज का मतलब है कि मुझे ज़्यादा बैटरीज को चार्ज करने की टेंशन नहीं है, मैं आराम से जो है एक ही इन तीन बैटरीज के ऊपर अपनी पूरी शूट आराम से दिन की या दो दिन की आराम से मैं कर सकता हूँ। तो ये सोल्यूशन है बेसिकली जो मैंने आपको बताया इसका। अच्छा, किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट वॉट्स के अंदर आती है ये, जैसे ये वाली जो है ये स्पेसिफिकली 98 वॉट्स है और ये मिनी है, लाइक इसका साइज़ आप देखें ये मेरी जो है ना लाइक हथेली से बहुत छोटा है, और ये स्पेशली जो है ट्रैवलिंग के हिसाब से इन्होंने बनाई है, और इसके ऊपर एक स्टिकर पे जो है ना मेंशन भी किया गया आप इसको लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो वॉट की होती है ना उनको आप जहाज़ में या कहीं लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लास्ट होने का डर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर होती है, चार्ज होता है उसके अंदर। अच्छा, 98 वॉट आवर, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पहले तो ये देखना है कि आपने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। अगर मैं मिसाल की बात करूँ, जैसे ये दो LED लाइट्स मैंने लगाई हैं और ये जो है मुझे पावर देनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने घंटे का मुझे बैकअप देगी। तो देखें 98 वॉट आवर इसके ऊपर लिखा है और ये लाइट्स जो हैं ये 60 वॉट की है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, 98 को डिवाइड किया 60 से, तो आई गेस ये 1.6 समथिंग आंसर होगा इसका कैलकुलेशन का, तो इट मींस के 1.6 आवर्स का बैकअप दे देगी आपको ये फुल, अगर आप इंटेंसिटी के ऊपर इस लाइट्स को चलाएंगे इस बैटरी के ऊपर, यानी डेढ़ घंटे का मुझे आराम से बैकअप देगी। अगर मैं इसकी पावर को थोड़ा सा कम कर दूँ इंटेंसिटी को, तो ये और लंबा बैकअप मुझे देगी। तो इसी तरह क्या होता है, जैसे कैमरे की एक सर्टेन पावर होती है, इस स्क्रीन की एक सर्टेन पावर होगी अलग, और डिफरेंट डिफरेंट एम्पेयर्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से क्या है कि आप अपनी कैलकुलेशन करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ चला रहा हूँ तो मुझे एक बैटरी कितने घंटे का बैकअप देगी, ठीक है जी। अगर मोबाइल की मैं बात करूँ तो उस पर से आप पत्नी कोई 20 दफ़ा मोबाइल अपना जो है ना जीरो से चार्ज कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। तो ये चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, जितने ज़्यादा वॉट होंगे उतने ज़्यादा एम्पेयर होंगे, और एम्पेयर जो होते हैं उस वो आपके पास हर डिवाइस पे मेंशन होते हैं, तो किस किस एम्पेयर का है। आपने ये कोशिश करनी है, अगर जैसे मिसाल के तौर पर कैमरा 5 एम्पेयर पे चल रहा है और ये 6 एम्पेयर किया, तो ये ईजिली इसके ऊपर काम करेगा। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ज़्यादा अगर एम्पेयर है और डिवाइस आपकी कम लेती है तो वो काम करेगी, लेकिन अगर ये 5 पे चल रहा है और ये 4 एम्पेयर का होता तो मैं रेकमेंड करूँगा आप ये ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसको पूरी पावर नहीं मिल रही होगी और इसमें डैमेज होने का भी ख़तरा हो सकता है। तो जनाब ये था एक वी माउंट बैटरी का सोल्यूशन चार्जिंग के लिए, बड़ा आसान इसका वो है कि डिफरेंट डिफरेंट चार्जर्स आते हैं। मेरे पास ये है जिसका मॉडल है S3822S, और ये भी स्विट कंपनी का है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये आराम से इस तरह आप रख सकते हैं, दूसरा इस पर आप जो है ना डुअल बैटरी चार्जर है, यानी कि दो बैटरीज को आप आराम से जो है वो चार्ज कर सकते हैं, और ये कि तकरीबन जितना भी टाइम लगता है तो आपको टेंशन नहीं है कि आपकी एक बैटरी यूज़ हो रही है और दो बैटरी एट अ टाइम चार्जिंग पे लगी है। तो ये थी जी आज की एक लाइक एपिसोड वी माउंट बैटरी सोल्यूशन के हवाले से। आई होप कि काफ़ी सारे लोगों के लिए नई चीज़ होगी, तो उनको पता चला होगा, उनको सीखने का मौका मिलेगा कि यार प्रोफेशनल फील्ड में जो बैटरीज यूज़ होती है उनका क्या पर्पज़ होता है और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे।